वही गुना में पुलिस कस्टडी में हुई आदिवासी युवक देवा पारदी की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बता दें, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में गुना से पूरा परिवार और आदिवासी समाज के लोग ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर इकट्ठे हुए। यहां से पैदल मार्च निकालते हुए मृतक देवा आदिवासी की अस्थियां हाथ में लेकर ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना के दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने आईजी अरविंद सक्सेना से मुलाकात कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों को सजा नहीं मिलेगी वो नहीं मानेंगे, और अब तक ना पुलिसकर्मियों को ही सस्पेंड किया गया है और ना ही उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है, इसलिए मजबूरन ग्वालियर में देवा की अस्थियों के साथ आईजी ग्वालियर रेंज से मुलाकात कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरे बच्चे को मार दिया पुलिस वाले ने, जब मैं आई मैं न्याय मांगने आई बेटा, मैं न्याय मांगी से 3 हल्दी हो गई, दूल्हा बैठा था, फिर 4 गाड़ी आई, फिर घर पे आया, दूल्हा को और चाचा को उठाया, गंगाराम को जबरदस्ती उठा के गाड़ी में बिठा ले, अभी भी रिमांड पे उनको निकाल रहे, मरा सा पड़ा, जब भी रिमांड पे ले जा रहे, सब में क्या कर। जिले में बमौरी तहसील में कनेरी गांव में एक पारदी युवक की जिस दिन उसकी शादी होनी थी, उस दिन उससे एक दिन पहले जब उसको हल्दी लग रही होती है, पुलिस उठा के ले जाती है और पुलिस जो है इतना पीटती है उसके साथ कि उसकी मौत हो जाती है। ये अन्याय, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में इस तरीके से निरंकुशता बढ़ गई है। और वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का वो संसदीय क्षेत्र है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ पर झांकने नहीं गया, उनको दिलासा देने नहीं गया। ये इस सवाल को लेकर और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया है। देखिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और उसके कुछ प्रतिनिधिगण, इसके अतिरिक्त जो धरनादा के बीलाखेड़ी गांव है उसकी कुछ पारदी समुदाय की महिलाएं आ जाई थी और उन्होंने ज्ञापन मुझे दिया है। और इस ज्ञापन में जो 14 जुलाई को देवा पारदी नामक युवक जो कि बीलाखेड़ी का रहने वाला है और उसको पूछताछ के लिए लाया गया था एक संपत्ति संबंधी अपराध में थाना मायाना में, जहाँ उसकी तबीयत खराब होने पर जब उसको जिला गुना के हॉस्पिटल में ले जाया गया था तो उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके संबंध में उनका 4 बिंदुओं का ज्ञापन मुझे सौंपा गया है, जिसके विषय में उनको बताया गया कि चूंकि इसमें 14 जुलाई की डेथ के बाद ही हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी जो है डीजे साहब से, तो उसके बेस पे जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी थी और देवा पारदी की लाश का जो पंचायतनामा है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा बनाया गया। इसके अतिरिक्त जो पोस्टमार्टम भी है डॉक्टरों की पैनल के द्वारा किया गया है और जुडिशियल इंक्वायरी एक बड़ी डिटेल्ड प्रोसेस होती है, तो उसके तहत तो उनके पक्ष को पूर्ण रूप से सुना जाएगा, जैसा कि उन्होंने कुछ बिंदु मेरे समक्ष प्रस्तुत किए थे कि किन परिस्थितियों में देवा को लाया गया था, किस तरीके से पूछताछ की गई। तो मैंने बताया कि ये सारे पक्षों को उनको जुडिशियल इंक्वायरी के तहत रखना है। और इसके अतिरिक्त जहाँ तक हमारे यहाँ के एविडेंस का प्रश्न है, तो मैंने उनको बहुत इस चीज़ में स्पष्ट कर दिया कि जिस फॉर्म में एविडेंस उस दिन था उसी फॉर्म में जो एविडेंस और हमारा पक्ष प्रस्तुत होगा।